दादा याद आ रही है मेरी या तेरे पास कोई काम नहीं है? ये रूप वो सुमन जी है ना, मेरी लंका लगा रही है, प्लीज आप गेम खेल नहीं पाए, लगाओ बस। हाँ काम तो बहुत ऐसे आने वाला था, बहुत दूर कर आ रहा है। इमोशनल से ज़्यादा मुरामी जो है बहुत गुस्सा है बल्ली से, क्योंकि उसकी जो हरकतें हैं, वो जो उसे जो इस मिशन में जिस वजह से उसे इस अकेडमी में लाया गया है, वो उस वजह को फॉलो नहीं कर रहा है, वो भटक रहा है। वो सबके सामने वो बताने वाला था सेट के सामने कि वो करण नहीं है, और करण के मरने की जो सीक्रेट जो बात है, जिसे हमने बत्रा सर ने कहा है कि सीक्रेट बना कर रखे हैं, जिस वजह से उसे इस अकेडमी में लाया गया, बेसिकली वो नहीं कर रहा है और भटक रहा है। जैसे कि हमने जो आपने सीन देखा ही रहेगा जो हमने किया था, तो उसमें ऐसा है कि फैजी बहुत पजेसिव हो गया अपने कैडेट्स के लिए, क्योंकि उनका जो मेन हीरो है जो करण, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, और ये एक क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ बत्रा, संजू, मुझे और बंटा और इवन मुनामी को पता है, बाकी किसी को भी नहीं पता। तो ये हमें एक्सेप्ट करना, इंक्लूडिंग मुनामी एज अ कैडेट, और इन सबको किसी को पता नहीं, क्योंकि इनका एक हीरो गया है, और अगर ये इंसान ही अगर उनके लिए है ही नहीं, उसका वजूद ही अगर नहीं है यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक इम्पोस्टर करके आया है जो हमारे लिए विलन है, तो इनके सामने हम क्या बताएंगे? ये कौन है? ये करण नहीं है, ये उसका भेरूपिया है। तो मतलब लाइक दे विल बी कम्प्लीटली शैटर्ड। अभी तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिलहाल हम लोग कन्फ्यूज है, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए, ये सवाल हमारे पास भी नहीं आ रहा है, क्योंकि राइट नाउ फैजी तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसके वजह से उसका दोस्त गया, उसके वजह से मतलब लाइक उसका एक भाई गया है, एंड इस एकेडमी की पूरी जान गई है। तो फैजी अभी भी फिलहाल गुस्सा है, सो एज संजू एंड बत्रा सर भी, लेकिन बत्रा सर के कहने पर हम उसे झेल रहे हैं, एंड ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। मुझे कैरम खेलना बहुत पसंद है, लेकिन इन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया। पहले सुमंची खेल रही थी, फिर ये बाला खेल रहा था, जब तक मेरी चांस आई करण सर आ गए। आई लव कैरम बोर्ड एंड मैं इतनी एक्साइटेड हो गया, वो रियली वांटेड टू प्ले एंड रियली वांटेड टू विन, बट या आई डिडंट गेट अ अपॉर्चुनिटी, बट अब वो पड़ा हुआ है कैरम, तो आई थिंक मैं अभी खेलूंगी। प्लीज कीप वॉचिंग अस एंड लेट अस नो, थैंक यू। कुछ होगा तो तुझे दिख ही जाएगा, पता चलते ही मुझे कॉल कर। हेलो, मैं अरे शर्ट लगा लो, नहीं ले पाओ लगे शर्ट। अरे करण सर जी, तो हम ही खेलेंगे आप सबके साथ। हाँ काम तो बहुत ऐसे ही आने वाला था, बहुत दूर कर आ रहा है।